प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह अभय, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज दीपका होगा। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में। कार्ल मार्क्स के वर्ग और वर्ग संघर्ष की बात करें उससे पूर्व मैं आपको वे बातें दोहराना चाहूँगा जो हमने पिछली क्लासेज में की थी। पिछली क्लासेज में हमने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि जब जब कार्ल मार्क्स का चर्चा होगा तब तक यह मान के चले कि क्रांति की बात होगी, सामाजिक परिवर्तन की बात होगी, संघर्ष की बात होगी, वर्ग की बात होगी, शोषक की बात होगी, शोषित की बात होगी। क्योंकि कार्ल मार्क्स जैसा कि हम उनके लाइफ स्केच और डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के अंतर्गत देख रहे थे, जब हमने कार्ल मार्क्स का जीवन चित्र और द्वंद्वात्मक प्रतीकवाद का वर्णन किया था, तब भी यह बताने का आपको प्रयास किया गया था कि कार्ल मार्क्स के जीवन चक्र में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिनके कारण या जिन घटनाओं ने कार्ल मार्क्स की विचारों को, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को बहुत प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप कार्ल मार्क्स उग्र विचारों के धनी हो गए और उनके विचारों में सदैव वर्ग की बात होती है, वर्ग संघर्ष की बात होती है, शोषण की बात होती है, शोषित की बात होती है, विद्रोह की बात होती है, क्रांति की बात होती है, सामाजिक परिवर्तन की बात होती है। क्योंकि कार्ल मार्क्स एक ऐसे चिंतक है जिनका यह मानना है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं रहा है इतिहास में जिस समाज में संघर्ष नहीं हुए हो। क्योंकि कार्ल मार्क्स की यह मान्यता है कि परिवर्तन के लिए संघर्ष आवश्यक है, ऐसा कोई भी समाज नहीं जो जड़ रहा हो, प्रत्येक समाज में समय के साथ परिवर्तन आया है। कार्ल मार्क्स का यह भी कहना है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, क्योंकि समाज भी प्रकृति का एक हिस्सा है, इसलिए समाज में भी परिवर्तन आए बिना नहीं रह सकता, समाज जड़ नहीं रह सकता, समय के साथ समाज में परिवर्तन आते हैं और आते रहते हैं। उसी के अंतर्गत हमने बात कर रहे थे, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अब तक जितने भी समाज रहे हैं उन समाजों का इतिहास पता कर लीजिए, ऐसा कोई भी समाज नहीं जिस समाज में संघर्ष नहीं हुए। और द्वंद्वात्मक प्रतीकवाद के अंतर्गत हमने यह बताने का प्रयास किया कि आज हम समाज की जिस अवस्था में हैं, प्रारंभ से हम उसी अवस्था में नहीं हैं, आदिम समाजों से प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर विभिन्न चरणों के माध्यम से विभिन्न समाजों में समय समय पर समाज अलग अलग खंडों में विभक्त रहा, समाजों में वर्ग बनते रहे, उन वर्गों में संघर्ष होता रहा और संघर्ष होने के परिणाम एक नए समाज का उदय हुआ या नए समाज का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार से संघर्ष होते 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 आज हम इस समाज की अवस्था में, जिसको हम लोग पूंजीवादी समाज कह सकते हैं, आधुनिक समाज कह सकते हैं, सभ्य समाज कह सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण मानते हैं वो संघर्ष मानते हैं, और संघर्ष के अंतर्गत वर्ग संघर्ष के बारे में उन्होंने विस्तार से बातें की। कार्ल मार्क्स के वर्ग और वर्ग संघर्ष की जहां तक बात है, वर्ग संघर्ष को समझने से पहले हमको वर्गों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि वर्ग क्या है या सामाजिक वर्ग क्या है। तो सबसे पहले वर्ग संघर्ष को समझने से पहले हमको सामाजिक वर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सामाजिक वर्ग क्या है, सोशल क्लास क्या है। इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स का कहना है कि वर्ग की पहचान या भरण पोषण के स्रोत उसकी आमदनी है। कार्ल मार्क्स का सवाल है कि किसी समाज में वर्ग को कैसे पहचाना जाए, उस संदर्भ में उनका कहना है कि कार्ल मार्क्स के निर्धारण की जहां कार्ल मार्क्स का कहना है कि वर्ग के निर्धारण की जहां तक बात करें तो वर्गों के निर्धारण का आधार व्यक्ति की आमदनी है, उसके भरण पोषण के स्रोत है कि कौन व्यक्ति या किसी समूह के व्यक्तियों की आमदनी का स्रोत क्या है, उनका भरण पोषण कैसे होता है। इसका मतलब यह है कार्ल मार्क्स कि इन विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्गों के निर्धारण का आधार आर्थिक है। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि वर्गों का निर्धारण आर्थिक है, क्योंकि जब ये कहते हैं कि वर्ग की पहचान भरण पोषण के स्रोत उसकी आमदनी है, चाहे किसी भी समाज के सदस्य हो
वे अपने बाजार के भाड़े से जीवन यापन करते हैं या उनके पास जो संपत्ति है उस संपत्ति के संपत्ति से जो उनको मुनाफा प्राप्त होता है उस मुनाफे से वे अपने जीवन यापन करते हैं या अपने शौक पूरे करते हैं, या ऐसे लोग हैं जिनके पास भू संपत्ति है और इन्हीं से उन्हें जो आय होती है उससे भी अपना भरण पोषण करते हैं। इस प्रकार कामाक्ष के अनुसार वर्ग के निर्माण में आदमी की आमदनी महत्वपूर्ण है, यानी कि उसकी जो इनकम है उस इनकम के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के वर्गों का निर्माण होता है। तो इससे एक बात स्पष्ट उभर कर आती है कि कामाक्ष वर्गों के जो निर्माण का जो कारक मानते हैं, सामाजिक वर्ग बनने का जो कारण मानते हैं, वे आर्थिक मानते हैं। कहने का तात्पर्य जिन लोगों की आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है वे अपना एक समूह है या अपना एक वर्ग बना लेते हैं, उसी को कामाक्ष के अनुसार वो सामाजिक वर्ग कह सकते हैं। कामाक्ष के बारे में रेमंड एरन ने
विकास के साथ हुआ। उत्पादन के विकास के साथ पदों का निर्माण। इसमें आप से कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन के साधन उत्पादन के संबंध और उत्पादन की शक्तियां कि जैसे जैसे उत्पादन के साधनों का विकास होता है, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे वर्गों का निर्माण होता है। उत्पादन के साधन मतलब उत्पादन किस चीज से हो रहा है, भूमि से हो रहा है, किसी फैक्ट्री से हो रहा है, किसी कलकारखाने से हो रहा है, उसी आधार पर वर्गों का निर्माण होता है, वर्गों का निर्माण होता है। तो जैसे जैसे उत्पादन के साधन बदलेंगे, उत्पादन के संपन्न बदलेंगे, उत्पादन की शक्तियां बदलेंगी, वैसे वैसे वर्गों का रूप परिवर्तित होता चला जाएगा। इस प्रकार उत्पादन के विकास के साथ वर्गों का निर्माण होता है या वर्ग होते हैं। दूसरी बात जो रेमंड एरर ने लास्ट के बारे में कही है वह है कि वर्ग संघर्ष जो है अनिवार्य रूप से सर्वहारा का अधिनायक भाव है। जब वर्ग संघर्ष होगा उस वर्ग संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय होगी, और यह सर्वहारा वर्ग जब उत्पादन की शक्तियों पर कब्जा कर लेगा तो वहां पर एक ऐसी स्थिति आएगी कि कोई उच्च वर्ग कोई निम्न वर्ग नहीं होगा, कोई शोषक वर्ग और कोई शोषित वर्ग नहीं होगा, बल्कि क्लास वाइज सोसाइटी या वर्ग नहीं समाज की स्थिति बन जाएगी। यानी उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य हो जाएगा। इस स्थिति में उन्होंने सर्वहारा का अधिनायकवाद। आगे जाकर रेमंड एरर ने जो व्याख्या की है वो की है कि यह जो अधिनायकवाद है जिसमें उत्पादन के साधनों पर श्रमिक वर्ग का सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य हो जाता है, उस स्थिति को सर्वहारा का अधिनायकवाद। रेमंड एरर आगे जाकर कह रहे हैं कि यह जो सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्थिति है यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है। तो वर्ग बने, दो वर्गों में संघर्ष हुआ, दो वर्गों में संघर्ष के परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग की विजय हुई, उत्पादन के जो साधन है उस पर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य हो गया। इस स्थिति को कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा का अधिनायकवाद कहा है। यह जो स्थिति है जब सर्वहारा वर्ग वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप विजयी होता है और उत्पादन के साधनों पर अपना आधिपत्य कर लेता है, तो इस स्थिति को क्लासलेस सोसाइटी या वर्गविहीन समाज की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मार्क्स का कहना है कि ये स्थिति कोई ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली स्थिति नहीं है। जैसे कि हम लोग द्वंद्वात्मक प्रतीकवाद के बारे में बात कर रहे हैं कि विभिन्न एक वाद होता है, एक प्रतिवाद होता है, वाद के परिणाम स्वरूप प्रतिवाद की स्थिति पैदा होती है, पर ये वाद प्रतिवाद होकर संवाद बना होते हैं। लेकिन ये जो संवाद की स्थिति है ये ज्यादा लंबे समय तक टिकी रहने वाली स्थिति नहीं है। ये उन्हें वाद और प्रतिवाद में रूपांतरित होता है, वाद और प्रतिवाद पुनः मिलकर संवाद बनाते हैं, फिर पुनः वाद और प्रतिवाद में रूपांतरण हो जाता है। ये प्रक्रिया सहजे चलती है। तो जब हम लोग द्वंद्वात्मक प्रतिवाद की बात करते हैं तब यहाँ पर होता है कि इस वाद और प्रतिवाद का परिणाम रूप में जो प्रथम संवाद की स्थिति है इसमें पुनः वाद और संवाद बनते हैं, और जो द्वितीय संवाद की स्थिति होती है वो पहले वाले संवाद से द्वितीय संवाद की स्थिति बेहतर स्थिति होती है। इसी बात को कार्ल मार्क्स ने समाज पर लागू किया कि हिगल के जो द्वंद्वात्मक आत्मभाव थी इसी आधार पर उन्होंने आलोचना की थी कि हिगल का जो द्वंद्वात्मक आत्मभाव है वो विचारों पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है, मस्तिष्क पर आधारित है, जिसका भौतिक स्वरूप समाज में देखने को नहीं मिलता है। तो उसको जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा भी है कि हिगल का जो द्वंद्वात्मक आत्मभाव है जो कि सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया। इसका मतलब यह था कि हिगल का जो द्वंद्वात्मक आत्मभाव है वो विचारों पर आधारित था, उन्हीं विचारों को कार्ल मार्क्स ने समाज पर लागू किया, भौतिक वस्तुओं पर लागू किया। तो ये जो स्थिति में बताते हैं कि वाद और प्रतिवाद, मान लीजिए किसी समाज में दो वर्ग होंगे, फिर दो वर्गों में संघर्ष हुआ, दो वर्गों में संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नए समाज की स्थापना, जैसे बात है कि दो वर्गों में संघर्ष हुआ क्लासलेस सोसाइटी होगी, लेकिन ये जो
होता है और पुनः उनमें संघर्ष होता है, संघर्ष के परिणाम से जो नया समाज बनता है पहले वाले समाज से एक नया समाज। तो यहां पर जो काल मार्क्स कह रहे हैं कि सर्वहारा के जो अधिनायकवाद की स्थिति है वो कोई स्थायी स्थिति नहीं है, वो एक संक्रमण काल की स्थिति है। क्लासलेस सोसाइटी, ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें काम का बंटवारा नहीं हो, संस्कर्म नहीं हो, ऐसा कोई समाज हो ही नहीं सकता। तो वे कहते हैं कि ये जो संक्रमण काल की स्थिति है, सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्थिति है, ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली स्थिति नहीं है। ये निश्चित रूप से वर्ग संघर्ष की स्थिति है, सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्थिति है। वर्गों का उन्मूलन, सर्वहारा का अधिनायकवाद है वो वर्गों का उन्मूलन करता है, लेकिन ये स्थिति एक आदर्शवादी स्थिति है, संक्रमण काल की स्थिति है। ये समाज पूरे वर्गों में रूपांतरित होता है, वर्गों में रूपांतरित के परिणाम स्वरूप वर्गों का ध्रुवीकरण होता है, वर्गों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप वर्गों में संघर्ष होता है और पूरे क्लास की स्थिति आती है। तो ये वाद प्रतिवाद संघर्ष, वाद प्रतिवाद संघर्ष की स्थिति चलती रहती है। इसी स्थिति को काल मार्क्स ने समाज विभिन्न समाजों पर, जो कि इतिहास में जो समाज रहे उन पर लागू किया और ये लागू हुआ। तो ये जो सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्थिति है, उसके बाद में रेमंड हेरल का कहना है कि ये वर्गों के उन्मूलन की स्थिति है, सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्थिति, लेकिन यह एक संक्रमण काल की स्थिति है, वर्गों का उन्मूलन होता है और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की ओर ये स्थिति ले जाती है, लेकिन यह स्थिति ज्यादा लंबे समय तक टिकी रहने वाली स्थिति नहीं है। समाज पुनः विभिन्न वर्गों में विभाजित होता है और संघर्ष होता है और संघर्ष के परिणाम से पुनः एक नया समाज की स्थापना होती है, जो कि पहले वाले समाज से बेहतर समाज था। ये रेमंड हेरल ने विचार व्यक्त किए हैं काल मार्क्स के बारे में। आगे बात करें कि सब सामाजिक वर्ग है किसे, सामाजिक वर्ग की परिभाषा क्या दी जाए, इसके बारे में काल मार्क्स ने अपने आगे विचार व्यक्त किए हैं। काल मार्क्स का कहना है वस्तुतः वर्ग की मुख्य विशेषता आर्थिक है, जैसे कि अगले बात कर रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो वर्ग की है आर्थिक है, लेकिन वर्ग भेद जो है राजनीति, दैनिक जीवन, विचारधारा आदि क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। प्रत्येक वर्ग अपनी राजनीतिक चेतना, नैतिकता आदि रखता है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में वर्ग की विशेषताएं आर्थिक तत्व द्वारा ही निकलता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अतः उत्पादन साधनों के प्रति लोगों का संबंध अपने आप में प्रधान वर्ग विशेषता है और यह सब दूसरी विशेषताओं को निर्धारित करता है। इस बात को सभी मार्क्सवादी मानते हैं कि वर्गों में भेद सर्वप्रथम साधनों के प्रति संबंधों में भिन्नता की ओर होता है, तथा आर्थिक साधनों के मालिकाना अधिकार के कारण ही वर्ग यानी जिस प्रकार से उत्पादन के साधन होंगे, उत्पादन के साधनों पर लोगों का मालिकाना अधिकार होगा, उसी प्रकार से उसी आधार पर वर्गों का निर्माण। लेकिन आगे जाके काल मार्क्स को कहना है, जैसे कि उन्होंने अपनी पुस्तक दास के रूप में चर्चा की है, कि जब लाखों परिवार ऐसी आर्थिक दशा में जीवन यापन करते हैं जो उन्हें उनके जीवन पद्धति उनके हेत को और उनके जीवन पद्धति उनके हेत को और उनकी संस्कृति के अन्य वर्गों से दूर कर देती है और उन्हें शत्रुता विरोधी खेमे में खड़ा कर देती है, वर्ग है। हम समाजों को देखें और उन समाजों में यानी कि काल मार्क्स ने सबसे पहला जो आधार बताया वर्गों के निर्धारण का वो व्यक्ति की आमदनी बताई, यानी कि आर्थिक आधार पर वर्गों का निर्धारण होता है। आगे जाकर वे कहते हैं कि उत्पादन के संबंधों के आधार पर वर्गों का निर्धारण होता है, उत्पादन के साधनों के आधार पर वर्गों का निर्माण होता है, उत्पादन के संबंधों और शक्तियों के आधार पर वर्गों का निर्माण होता है। एक और महत्वपूर्ण बात वे कहते हैं काल मार्क्स, उनका ये कहना है कि वर्गों का निर्धारण वर्गों का निर्माण उसी स्थिति में हो पाता है जब एक वर्ग दूसरे वर्ग को अपना विरोधी समझे, प्रतिरोधी समझे, शत्रु समझे, दुश्मन समझे, उसी के परिणाम से वर्गों का निर्माण होता है। क्योंकि इतिहास में जितने भी समाज रहे हैं काल मार्क्स का कहना है कि उन समाजों में संपूर्ण समाज को विरोधी खेमों में बढ़ जाता है और उन विरोधी खेमों में बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप उनके स्वार्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं और विपरीत स्वार्थों के परिणाम स्वरूप भी एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। सामान्य शब्दों में बात करें तो एक शोषित वर्ग होता है जिनकी संख्या कम होती है, एक बहुत बड़ा शोषित वर्ग होता है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। शोषित वर्ग
इनका अधिक से अधिक शोषण करना चाहता है। ये लोग अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, परिणाम इन दोनों में स्वतंत्रता को व्यवहार हो जाता है और समाज दो खंडों में विभक्त हो जाता है और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष के लिए तैयार होता है। वास्तविक वर्ग की यह धारणा, ये जो अवधारणा है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार के परिणाम स्वरूप, प्रतिरोधात्मक व्यवहार के परिणाम स्वरूप वर्गों का निर्माण होता है और समाज और संघर्ष के लिए तैयार होता है। ये एक प्रकार से निषेधात्मक अवधारणा है। वर्ग की इस परिभाषा में प्रतिरोध आवश्यक है। मार्क्स और एंजल्स ने जर्मन आइडियोलॉजी, मार्क्स और एंजल्स जैसे कि वो मार्क्स के जीवन चिंतन की जब बात कर रहे थे तब आपको बताया गया था कि मार्क्स और एंजल्स ने संयुक्त रूप से एक पुस्तक लिखी थी जर्मन आइडियोलॉजी। उस जर्मन आइडियोलॉजी में इन्होंने यह बात व्यक्त की और मार्क्स ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक ही धंधे में कार्यरत हो, यानी कि एक जैसे काम करने वाले लोग, एक ही जैसी परिस्थिति में काम करने वाले लोग, जिनकी आर्थिक अवस्था और काम की दशाएं और शोषण के तरीके समान हैं, यानी कि एक ऐसा समूह है जिनके काम की दशाएं एक जैसी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति समान है और उनके शोषण के तरीके भी समान है। मार्क्स का कहना है कि ये लोग सिर्फ आर्थिक आधार पर ही वर्ग का निर्माण नहीं करेंगे, सिर्फ उत्पादन के साथ संबंध साधनों के आधार पर ही वर्गों का निर्माण नहीं करेंगे। उनका कि एक ही धंधे में कार्यरत लोग जिनकी आमदनी समान है, जिनके काम की दशाएं समान है, जिनकी आर्थिक स्थिति समान है, सिर्फ इसी बात पर वे वर्ग का निर्माण नहीं कर लेते। वर्ग के निर्माण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो सबसे बड़ी अनिवार्यता है, वह है वर्ग चेतना और वर्ग शक्ति। पहली बार उन्होंने बताया कि आर्थिक आधार पर वर्गों का निर्धारण होता है, आमदनी के आधार पर वर्गों का निर्धारण होता है। दूसरी बात उन्होंने बताई उत्पादन के साधनों, उत्पादन के संबंधों और उत्पादन के शक्तियों के आधार पर वर्गों का निर्माण होता है। यहां पर वे कहते हैं कि यह सब कुछ हो सकता है, लेकिन यही आर्थिक स्थिति, उत्पादन के साधन संबंध और शक्तियां ही वर्ग निर्माण के लिए आवश्यक नहीं। वर्ग निर्माण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह है वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष। जब तक किसी वर्ग के लोगों में अपने वर्ग के प्रति चेतना जागृत नहीं होती, तब तक वे वर्ग संगठन नहीं बनाते और जब तक वर्ग संगठन नहीं बनता तब तक वर्ग संघर्ष नहीं होता। ये वर्ग चेतना क्या है, ये वर्ग संगठन क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से बताना चाहेंगे कि काम की दशाएं कितनी ही अमानवीय हो, मजदूर का जीवन कितना ही नारकीय हो, लेकिन जब तक उसमें यह चेतना नहीं आती कि इस त्रासद के वह अकेला ही नहीं, उसके गांव और कस्बे के लोग ही नहीं, प्रांत और देश के अन्य कामगार ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के मजदूरों की, चाहे वे किसी भी देश के हों, यही हालत है, तब तक वे वर्ग नहीं बनाते। यानी कि कोई श्रमिक है, कोई कामगार है, उसमें जब तक यह भावना नहीं आती कि ये जो मेरी दशा है, सिर्फ मेरी दशा ही नहीं, मेरे पड़ोस की दशा ही नहीं, मेरे गांव के लोगों की, मेरे कस्बे के लोगों की, मेरे शहर के लोगों की, मेरे देश के लोगों की ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों की दशा शोषण के तरीके ठीक वैसे ही है जैसे कि मेरे हैं। ये भावना जब तक श्रमिकों में नहीं आती, कामगारों में नहीं आती, तब तक वर्ग का निर्धारण नहीं होता। यानी कि इन सबसे महत्वपूर्ण वर्ग निर्माण या वर्ग निर्धारण के लिए कार्ल मार्क्स जो बात मानते हैं वो मानते हैं कि वर्ग चेतना का होना जरूरी है। जब तक वर्ग चेतना नहीं आती तो वर्ग संगठन नहीं बनता और वर्ग संगठन नहीं बनता तो कोई वर्ग वर्ग संघर्ष के लिए तैयार नहीं होता। ये वर्ग और वर्ग संघर्ष क्या है, सॉरी वर्ग चेतना वर्ग संगठन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको विस्तार से जानकारी देना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी उदाहरण के तौर पर कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, उसमें अनेक श्रमिक काम करते हैं, उन श्रमिकों की सबकी काम की दशाएं एक जैसी है,
उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है, उनके शोषण के तरीके समान। एक व्यक्ति, एक मजदूर, एक श्रमिक किसी कारखाने में 8 से 10 घंटे काम करता है। 8 से 10 घंटे के काम करने के पश्चात उसको दिहाड़ी, पगार या वहां के अंत में जो वेतन मिलता है, उस वेतन को प्राप्त करने के पश्चात उसको यह उसको ऐसा महसूस होता है कि मैंने प्रतिदिन 8 से 10 घंटे जो काम किए हैं उसके परिणाम स्वरूप मुझे दिहाड़ी, पगार या वहां के अंत में जो वेतन मिला है वो वेतन मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। वो वेतन इतना नहीं है जिससे मैं अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक प्रकार से कर पाऊं। वो वेतन या दिहाड़ी या पगार मुझे उतनी नहीं मिली जितना काम मैंने किया। कैसे कहेंगे कि एक व्यक्ति को, एक श्रमिक को या मजदूर को ऐसा एहसास होता है कि मैंने जो काम किया है उसके बदले मुझे जो भुगतान या दिहाड़ी, पगार या वेतन मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला है, वो अपर्याप्त है। इस धन से, इस वेतन से, दिहाड़ी या पगार से मैं अपने परिवार की आवश्यकता ठीक से नहीं कर पाता। किसी एक श्रमिक के दिमाग में यह बात, फिर वो सोचता है इसका मतलब मैंने जो काम किया उसके बदले मुझे जो भुगतान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। एक भावना उसमें जागृत हुई, इसका मतलब मेरा शोषण हो रहा है, मुझे जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब मेरा शोषण हो रहा है। उसी कारखाने में काम करने वाला अन्य श्रमिक है, मालिक है, 20 श्रमिक है, उस 20 श्रमिक से ये श्रमिक, सॉरी उससे पूर्व में बता दो, इस व्यक्ति के दिमाग में ये श्रमिक एक के मस्तिष्क में जो बात आई कि मैंने जो इतना काम किया उसके बदले जो मुझे भुगतान मिला है उतना नहीं है जितना मैंने श्रम किया है, इसका मतलब मेरा शोषण हो रहा है। एक व्यक्ति के दिमाग में इस प्रकार की चेतना आती है, उसको व्यक्तिगत चेतना, एक श्रमिक के दिमाग में यह श्रमिक 20 श्रमिक से इस प्रकार की चर्चा करता है जो कि एक ही कारखाने में कार्य कर रहे हैं, जिनके काम की दशाएं एक जैसी है, जिनके शोषण के तरीके समान है। 20 में बात करता है कि मुझे जो भुगतान मिला है, दिहाड़ी पगार मिली है, उतना नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए था, इसका मतलब मेरा शोषण हो रहा है। बी कहता है ऐसे मेरे भी हालात ऐसे ही हैं, मैं भी इसी कारखाने में काम करता हूँ, मैं भी 8 से 10 घंटे काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे बराबर काम करता हूँ, मुझे भी जो वेतन, पगार या दिहाड़ी मिली है वो उतनी नहीं है जितना मैंने काम किया है, इस वेतन से मैं अपने परिवार का ठीक से संचालन नहीं कर सकता। ए बी से कहता है, बी इसके प्रत्युत्तर में भी यही जवाब देती है कि बी की हालत भी ठीक वैसी है जैसी ए की हालत है। ये बात पूरे समुदाय में गलत है। बी सी से कहता है, बी सी कहता है, इस प्रकार ये जो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना थी, एक ही चेतना थी जिसको हमने व्यक्तिगत चेतना कहा, लेकिन ये चेतना समाज है, उस समूह के, उस वर्ग के सभी लोगों में फैल गई, सबकी दशा एक जैसी है, क्योंकि एक ही काम है, सभी काम की दशा एक जैसी। तो फिर ये व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत चेतना ना होकर पूरे समूह की चेतना हो जाती है, उसको सामूहिक चेतना कर दिया गया। यह सामूहिक चेतना फिर पूरे वर्ग की चेतना बन जाती है। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना, अब यह व्यक्तिगत चेतना नहीं रही है, ये सामूहिक चेतना बन रही है, और इस सामूहिक चेतना के आधार पर फिर ये लोग अपने एक वर्ग का निर्माण कर लेते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, हमको संगठित होना चाहिए। फिर यह वर्ग चेतना, यानी कि इस चेतना के आधार पर उन्होंने अपना एक वर्ग बना लिया है, उस वर्ग की पूरे की चेतना हो, इसमें श्रमिक मिले उनके सबकी चेतना एक जैसे हो, उसको वर्ग चेतना कह दिया गया, ठीक है। और इस वर्ग चेतना के परिणाम स्वरूप भी फिर आगे जाकर वर्ग बनते हैं, वर्ग संगठन बनते हैं, वर्ग चेतना के आधार पर नहीं बना गया, वर्ग संगठन बन गया, और जब वर्ग संगठन बन जाता है तो वो अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने लगता है। इसे बात करें ये पूंजीपति या श्रमिक वर्ग है, सॉरी ये पूंजीपति वर्ग है,
सर्वहारा या सर्विक वर्ग है, इन लोगों ने अपना एक वर्ग बना लिया है और उस वर्ग की चेतना वर्ग क्षेत्र हो गई है, उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया है और अपने डिमांड्स के लिए, अपने शोषण के विरुद्ध, अपने अधिकारों के लिए वे पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं और संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से आर्मास कहना कि व्यक्ति की सिर्फ आमदनी ही नहीं, व्यक्ति की सिर्फ आर्थिक स्थिति ही नहीं, व्यक्ति की सिर्फ काम की दशाएं ही नहीं, जब तक व्यक्ति में किसी श्रमिक की यह भावना नहीं आती कि जिस प्रकार से मेरा शोषण हो रहा है कुछ वैसे ही अनेक लोगों का शोषण हो रहा है, ठीक है, व्यक्तिगत चेतना का उद्यम होने के पश्चात सामूहिक चेतना रूपांतरित हो जाती है, सामूहिक चेतना वर्ग चेतना बना लेते हैं और जब वर्ग चेतना का निर्माण हो जाता है तो वो वर्ग संगठन बना लेते हैं और यह सामूहिक वर्ग फिर शोषक वर्ग के विरुद्ध संघर्ष का विकल हो जाता है और संघर्ष के परिणाम जो इस शोषक वर्ग सॉरी शोषित वर्ग की सर्वहारा वर्ग की इस संघर्ष में विजय होती है, जिसको कि काल मार्क्स ने सर्वहारा का अधिनायकवाद की स्थिति के रूप में कहा है, लेकिन फिर कहते हैं कि सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्थिति एक संक्रमण काल है, यह स्थिति स्थायी स्थिति नहीं है, समाज को है वर्गों में विभक्त होता है, संघर्ष के लिए तैयार होता है और एक नए समाज को। तो ये काल मार्क्स के वर्ग और वर्ग संघर्ष से संबंधित कुछ विचार थे जिनका चर्चा रेमंड एरन ने अपने पुत्र में एरन सिंह सोशियोलॉजिकल थ्योरी में किया है। अगली क्लास में हम लोग जो मार्क्स और एंजेलस ने जो संयुक्त रूप से जो जर्मन आइडियोलॉजी लिखी थी, उस जर्मन आइडियोलॉजी में उन्होंने क्लास यूनिट सेल और क्लास यूनिट सेल की बात की थी, उसके बारे में बात करें क्लास इन सेल और क्लास फॉर, यानी कि क्लास इन सेल अपने आप में वर्ग और क्लास फॉर और इसलिए अपने लिए वर्ग, ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं काल मार्क्स के जो वर्ग और वर्ग संघर्ष से संबंधित जो विचार हैं आपको कुछ समझ आए होंगे, शेष हम अगली क्लास में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।